नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आईक्यू बॉक्स एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हेवन ऑफ अर्थ। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो स्विट्जरलैंड को कहते हैं लेकिन मैं नेपाल को मानता हूँ क्योंकि वो हिमालय की पहाड़ियों से घिरा है और वास्तव में देख के लगता है कि वहाँ पर सच में धरती का स्वर्ग है। तो आज इस धरती के स्वर्ग के बारे में जानेंगे और देखेंगे किस तरह का है इसका इतिहास और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीजें यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का लाल बटन जरूर दबा दीजिए क्योंकि ऐसी ही रोचक वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि नेपाल का ऑफिशियल नेम क्या है। तो ऑफिशियली नेपाल को फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल कहते हैं। पॉपुलेशन वाइज यह दुनिया की 49th लार्जेस्ट कंट्री है और यदि एरिया वाइज देखे तो इसकी रैंकिंग आती है 93 नंबर पे। ठीक है, 93rd लार्जेस्ट कंट्री बाई एरिया है। जैसा की नेपाल का मैप देख के हमें समझ में आता है, नेपाल लैंड कंट्री है और यह नॉर्थ में चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करती है, बाकी साउथ, ईस्ट और वेस्ट में इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करती है। नेपाल की सबसे खास बात यह है कि यह पहाड़ियों से घिरा हुआ देश है, मतलब हर तरफ आपको माउंटेन पीक्स दिखती रहेंगी। यह कोई नई बात नहीं है पहाड़ियों का दिखना। सबसे खास बात यह है कि दुनिया की जो सबसे टॉलेस्ट माउंटेन पीक्स हैं जो वर्ल्ड में काउंट होती हैं उनमें से 8 नेपाल में पाई जाती हैं, जिनमें से माउंट एवरेस्ट भी एक है जो कि हाईएस्ट पॉइंट ऑन अर्थ कहा जाता है। और माउंट एवरेस्ट के बारे में आपको पता ही होगा, सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को ही मानते हैं। आगे देखते हैं, नेपाल में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं लेकिन वहां की ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो है नेपाली। बाकी नेपाल का इतिहास इतना अच्छा नहीं है, नेपाल में भी एक सिविल वॉर हो चुकी है जहां पे हजारों लोग मर गए, इस पे थोड़ा सा डिस्कशन हम आगे करेंगे। लेकिन 1990s के बाद में जो सिविल वॉर चली और इसका नतीजा ये निकला कि 2008 में ऑफिशियली नेपाल एक सेकुलर रिपब्लिक कहलाने लगा। यही वो आखिरी देश था जिसे हम हिंदू राष्ट्र के नाम से जानते हैं। 2008 जैसा कि हम सुनते हैं कि मुस्लिम कंट्री है, वैसे ही पहले एक हिंदू कंट्री हुआ करती थी 2008 से पहले, वो नेपाल थी। लेकिन 2008 के बाद वो कंट्री भी हिंदू राष्ट्र के नाम से नहीं जाना जाता है, अब उसे भी सेकुलर रिपब्लिक बना दिया गया है। तो वह अब आखिरी हिंदू राष्ट्र था और इसके बारे में हम चर्चा आगे भी करेंगे जब हम टाइमलाइन देखेंगे नेपाल की। तो अब कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें देख लेते हैं। तो नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, रैपिड फायर चलाएंगे, लार्जेस्ट सिटी भी वहां की काठमांडू ही है, वहां की ऑफिशियल लैंग्वेज नेपाली है, वहां की गवर्नमेंट है फेडरल पार्लियामेंट्री रिपब्लिक, वहां की जो प्रेसिडेंट है वो है विद्या देवी भंडारी और ये एक फीमेल प्रेसिडेंट है। बाकी वहां के अभी प्राइम मिनिस्टर हैं केपी ओली शर्मा जी, इनके बारे में आप सुनते रहते होंगे। इन्हें इंडिया पर टिप्पणी करना बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत ही ज्यादा प्रो चाइना माने जाते हैं ये और सबसे ज्यादा इन्हें राम मंदिर का मुद्दा पसंद आता है। यही वो पहले प्रधानमंत्री हैं नेपाल के जिन्होंने कहा कि भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या में ना होकर नेपाल में हुआ। इस पर एक वीडियो डाल रखी है हमने ऑलरेडी जो कि आपको आई बटन पर मिल जाएगी। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसे जरूर देखिएगा। नेपाल का जो टोटल एरिया है वो है 147,516 किलोमीटर स्क्वायर का। नेपाल की अभी GDP है 94 बिलियन की। बाकी नेपाल में करेंसी यूज होती है नेपालीज रूपी, यह इंडियन रूपी से अलग है तो कन्फ्यूज नहीं होना है। बाकी अब हम देखते हैं नेपाल का इतिहास और नेपाल की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा जानेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं एशियन नेपाल के बारे में। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ 55,000 साल पहले की, जब वहां पर पहली बार किसी इंसान ने कदम रखा था। वह होमो सेपियंस थे और फिर उसके बाद इवोल्यूशन होता गया उनका और करीब 30,000 साल पुराने इंसानों के अवशेष वहां पर मिलते हैं। तो बहुत पहले ही वहां इंसानों ने अपना डेरा जमा लिया था। कहते हैं कि यह साउथ एशियन कंट्रीज से आए हुए थे और यही वो मॉडर्न ह्यूमंस हैं जिनके अवशेष हमें वहां पे मिलते हैं। बाकी वहां से उठ के आ जाते हैं अब 11th सेंचुरी में। यहाँ पे पहले खास पीपल्स का साम्राज्य हुआ करता था। खास का हिंदी में मतलब होता है स्पेशल, मे बी शायद वह यहीं से आया। उसके बाद वेस्टर्न नेपाल में इन्होंने अपना साम्राज्य बनाया और वहां पे जो बहुत ऊंची ऊंची चोटियां थी उनको अपने कब्जे में लिया। और अभी जो वेस्टर्न पार्ट है तिब्बत का और उत्तराखंड है भारत का, ये सब नेपाल की टेरिटरी में आया करते थे। अब आगे बढ़ते हैं और मॉडर्न हिस्ट्री पर आ जाते हैं और देखते हैं 1940s के बाद से क्या हुआ जो कि हमारे काम का है।
भारत में बहुत ज्यादा आजादी की जोर शोर से मांग हो रही थी। अपने आजादी के आंदोलन के लिए यहाँ के क्रांतिकारी अपनी पूरी ताकत से लगे हुए थे। नेपालियों ने भी अपनी कोई कसर नहीं छोड़ी, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया भारत को आजाद कराने में। और जब भारत आजाद हो गया तो इसका कुछ असर वहां पर भी पड़ा। यही असर था कि वहां पर भी एक कांग्रेस का गठन हुआ, वहां पे क्लैशेस चालू हो गए, मतलब किंग और गवर्नमेंट के बीच में वहां पे दो तरह की सत्ताएं चलने लगी। एक तो जो कांग्रेस थी वो खुद को गवर्नमेंट बताने लगी और वहां जो एग्जिस्टिंग राजा थे वो अपना राज्य चलाना चाहते थे। तो उस टाइम पे वहाँ पे किंग महिंद्रा थे जो कि 1955 से 1972 तक उन्होंने राज किया। उन्होंने बहुत सारे डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट किए जिसमें से 1960 में उन्होंने एक पार्टीलेस पंचायत सिस्टम लॉन्च किया। और यह पंचायत सिस्टम बहुत ही ज्यादा खास था क्योंकि यही गवर्न करता था पूरे नेपाल को। जैसे हमारे यहाँ जो पूरा सिस्टम स्ट्रक्चर है पार्लियामेंट्री सिस्टम और जिस तरह से इलेक्शन होते हैं, ऐसे ही उन्होंने पंचायत सिस्टम लाया जो कि पूरे नेपाल को गवर्न करता था। बाकी जितना भी नेपाल का मॉडर्नाइजेशन है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है, किस तरह से हेल्थ केयर पर इन्वेस्ट करना है, एजुकेशन पे क्या इन्वेस्ट करना है, ये सारा जो चीजें इन्वेस्टमेंट का था, टैक्सेस का था, सब कुछ पंचायत सिस्टम देखता था और कंट्री को मॉडर्नाइज करता था। लेकिन दिक्कत ये थी कि अभी भी ये लोग अपने लोगों पर बहुत सारी चीजें थोप रहे थे और वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स बहुत ज्यादा आ नहीं रहे थे। तो इसके लिए क्या हुआ कि बहुत ज्यादा दंगे जैसी स्थिति पैदा होने लगी और 1990 के बाद नेपाल एक सिविल वॉर की तरफ बढ़ने लगा। जब वो सिविल वॉर आई, कहते हैं ऑफिशियली रिकॉर्ड्स में कि करीब 16,000 से ज्यादा लोगों की डेथ हो गई, अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स में तो पता नहीं कितने लोगों की डेथ हुई होगी। इस सिविल वॉर में क्या हुआ कि वहां पे जो दो क्राउन किंग थे, क्राउन प्रिंस रॉयल पैलेस के, बाकी जो किंग बीरेंद्र थे, दूसरे भाई उनके ज्ञानेंद्र, इन्हें जो सत्ता विरासत में मिली थी ये इन्होंने छोड़ी। फिर वहां पे मॉइस पार्टी का शासन चलने लगा। फिर वहाँ पे एक बहुत ही पीसफुल प्रोटेस्ट हुए, बहुत ही सक्सेसफुल रहा वो पीसफुल प्रोटेस्ट। 2006 में ये हुआ और 2008 में 28 मई को अपना उनका कॉन्स्टिट्यूशन आ गया और ऑफिशियली नेपाल को फेडरल रिपब्लिक घोषित कर दिया गया। और यह एक आखिरी देश था, जैसा कि मैंने बताया, जिसे हम हिंदू राष्ट्र कह सकते थे। अब दुनिया में ऐसा कोई भी देश नहीं है जिसे हिंदू राष्ट्र के नाम से जाना जाता हो। चलिए आगे देखते हैं। फिर नेपाल का अपना कॉन्स्टिट्यूशन आया और फाइनली 20 दिसंबर 2015 को उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन को लॉन्च किया, अपनी असेंबली बनाई, अपने इलेक्शंस वगैरह के सारे प्रोसीजर ऑफिशियली वो फॉलो करने लगे और नेपाल को 7 प्रोविनेंस में उन्होंने डिवाइड कर दिया। चलिए देख लेते हैं उसके 7 प्रोविनेंस कौन कौन से हैं। पहले प्रोविनेंस 1 के नाम से ही जाना जाता है, प्रोविनेंस 2, फिर उसके बाद बागमती, गंडकी, प्रोविनेंस 5, करनली, शूद्र पश्चिम प्रदेश, ठीक है। इन सब की यहाँ पर मैंने कैपिटल भी मेंशन करके रखी है, आप ये पढ़ सकते हैं यदि आपको और ज्यादा जानकारी चाहिए। बाकी आप मैप में देख सकते हैं कि किस तरह से ये सारे प्रोविनेंस इनके डिवाइडेड है। यहाँ पे मैप में सबसे राइट हैंड साइड पे आप देखेंगे प्रोविनेंस 1 है और उसी ऑर्डर में मैंने लेफ्ट तक ले गया हूँ, जिस ऑर्डर में मैंने ऊपर टेबल बना रखी है, आप नेपाल के मैप को समझ सकते हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए और यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बाकी वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।